ऐतिहासिक नगरी लखनऊ शहर में आज मैं पहुंचा हूं, या फिर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, या फिर ये कहा जाए कि अगर चुनावों की भी बात होती है तो उत्तर प्रदेश या ये कहा जाए लखनऊ से दिल्ली का रास्ता जाता है। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के बारे में। हमारे बीच में आज के मेहमान मौजूद हैं, ज्योतिष वास्तुविद हमारे बीच में श्री अरुण मिश्र जी मौजूद हैं। अरुण मिश्र जी, आपका हमारे नव समाचार चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। ज्योतिष के बारे में आप लोगों ने सुना है और आप लोग कहीं ना कहीं ज्योतिष के चलते ही, चाहे शादी विवाह हो या फिर अपने शुभ अशुभ जो भी कार्य होते हैं, हम उसमें कहीं ना कहीं लिप्त रहते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हमारे बीच में आचार्य जी मौजूद हैं। आचार्य जी, लोग बाग या फिर ये कहा जाए हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, जिसमें आप खासकर फलित ज्योतिष के बारे में आप हमेशा लोगों को अवगत कराते रहते हैं, तो ये क्या है? मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि ज्योतिष का जो विज्ञान है वो हमारे सामुद्रिक शास्त्र से लिया हुआ एक हिस्सा है। सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत ज्योतिष के विभिन्न विधाओं का अध्ययन और उसके फल बताए जाते हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र में फलित ज्योतिष का जो हिस्सा है वो आपके ग्रहों नक्षत्रों का अध्ययन क्षण क्षण करता रहता है। तो आपके जो प्रश्न होते हैं, आप अपने विषय में जो जानना चाहते हैं कि भविष्य की घटनाओं और आपका भविष्य किस प्रकार का होगा, उससे संबंधित गणना इससे की जाती है। और हमारे मनीषियों ने जो सूत्र बनाए हैं, जो सूत्र बताए हैं, उसके आधार पर आपके भविष्य के फल का कथन किया जाता है। साथ में हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जब शुभ अशुभ ऐसी सब बातें आती हैं और उनका जीवन कैसा चल रहा है, व्यापारिक दृष्टि क्या होती है, तो उसमें साथ में हमारे दूसरा हमारे प्रश्न जो है दर्शकों जानना चाहते हैं कि फलित ज्योतिषी के अनुसार पूजा क्यों की जाए, किसकी की जाए और कैसे व क्यों करें। बहुत अच्छा प्रश्न है जिन्होंने भी जानना चाहा है कि ज्योतिष का विज्ञान आपके ग्रहों पर आधारित है, उसकी गति पर, उसकी गणना पर। तो इसमें प्रश्न किसी ने किया कि पूजा किसकी की जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जन्म के बाद जो आपका बर्थ चार्ट या जिसको जन्म कुंडली बोला जाता है, उसका फिफ्थ हाउस पांचवा घर या पांचवा भाव जो है आपके इष्ट की जो पूजा करनी है उसके एनालिसिस करने के पश्चात पता चलता है कि किस देवता की आप पूजा करें। अब बात आती है कि ग्रहों की दशा। हर आदमी के कुंडली में ग्रहों का स्थान अलग अलग भावों में या अलग अलग हाउसेस में होता है। उसके अंश के हिसाब से, उसके बलाबल के हिसाब से उसकी शक्ति का पता चलता है कि उसके माध्यम से आपका फल अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है। तो इसके एनालिसिस के पश्चात आप पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस वक्त किस स्थिति में है आपके साथ, तो उसके अनुसार पूजा करना चाहिए साहब। उसके उस ग्रहों के स्थिति के हिसाब से आप मंत्र के हिसाब से, तंत्र के हिसाब से पूजा करके उस ग्रह से संबंधित जो तत्व है, जो एलिमेंट है, उसकी पूर्ति आप अपने अंदर कर सकते हैं और अपने भविष्य को उसके हिसाब से बना सकते हैं। एक हमारे सामने दर्शकों का ऐसा भी एक प्रश्न आया है, खासकर बड़ा एक सामान्य सा सवाल है, लोगों के दिमाग में चलता रहता है, खासकर महिलाओं के, क्योंकि आप देखते हैं महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्योतिष में ज्यादा अपनी रुचि दिखाती है, आपने हमेशा देखा होगा। तो वही हमारे बीच में एक प्रश्न आया है कि झाड़ू से संबंधित महिलाओं का कहना है कि यदि रात में अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो उससे धन आएगा या नहीं आएगा, नंबर एक बात। दूसरी बात, व्यापारियों का भी यही सवाल है कि यदि हम रात्रि के समय अगर झाड़ू लगाते हैं तो क्या हमारा व्यापार डूब जाएगा। साथ में इसमें तीसरा प्रश्न यह है कि झाड़ू को किस दिशा में रखा जाए। महिलाओं ने जिन्होंने भी इस प्रश्न को पूछा है, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। उसका कारण ये है कि
कि झाड़ू का जो संबंध है सीधे सीधे धन और लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। तो धन से संबंधित होने की वजह से वास्तु विज्ञान में इसका महत्व बहुत है। अच्छा, तो जहां भी जिस जगह पर आप रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस व्यवसायिक प्रतिष्ठान में रहते हैं या व्यापार करते हैं, तो वहां आपको सबसे पहले ये निश्चित करना ठीक रहेगा कि झाड़ू कभी भी ईशान कोण पे न रखें। ईशान कोण का तात्पर्य है आपका नॉर्थ और ईस्ट का कोना, ये बड़ा ही शुद्ध और सात्विक कोना होता है, तो हमेशा इस जगह पर आप रखने से बचें। सबसे उत्तम स्थान झाड़ू का जो है दक्षिण की तरफ होता है। पर कहीं ना कहीं आप एक तरफ ज्योतिषी लोग कहते हैं, आपने भी चर्चा की कि झाड़ू का संबंध सीधा लक्ष्मी से, तो लक्ष्मी भी पूजा है, तो जब उनका उससे संबंध है तो ईशान कोण से क्यों उसको बचाते हैं? हाँ, अब झाड़ू का संबंध स्वच्छता से, आप किसी भी चीज को स्वच्छ जब कर रहे हैं तो झाड़ू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो झाड़ू में कीटाणु भी हो सकता है स्वच्छता के द्वारा, तो ईशान का जो कोना है बड़ा सात्विक होता है, उस पर सूर्य की पहली किरणें पड़ती हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट भी होती हैं, तो जल से संबंधित चीजों के लिए वो ठीक होता है, शुद्ध माना जाता है। हाँ, फिर आप पूजा करते हैं तो झाड़ू की पूजा आप नहीं करते हैं, झाड़ू का इस्तेमाल आप स्वच्छता के लिए करते हैं, तो झाड़ू का इस्तेमाल जब स्वच्छता रहेगी तभी लक्ष्मी आएगी। झाड़ू का स्थान जो अगर दक्षिण की तरफ आप रखते हैं तो यम का स्थान है, तो ज्यादा उत्तम है, लेकिन रखते वक्त एक चीज की सावधानी आप जरूर करें कि झाड़ू को कभी खड़ा ना रखें। अच्छा, खड़ा अगर झाड़ू को रखते हैं तो गलत प्रभाव पड़ता है, उससे लक्ष्मी नाराज होती है, आपके धन का आवागमन या लिक्विडिटी पर प्रभाव पड़ता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, झाड़ू आज के दिन हमारे इस देश में बहुत चर्चित है। आप पार्टी को ही ले लें, मतलब राजनीति में, राजनीति में आज चमकते हुए सितारे को ले लें, जो आपकी पार्टी है उसका महत्वपूर्ण चिन्ह झाड़ू है। आप देखिएगा, हो सकता है कि केजरीवाल जी ने भी किसी से इस पर चर्चा की हो कि उनके टोपियों पर या उनके झाड़ू पर, आप देखिएगा कभी झाड़ू उनका खड़ा नहीं है, हमेशा झाड़ू लेटा है टोपी पे। हाँ, तो उसका प्रभाव भी जरूर उन पर पड़ता होगा, उनकी सफलता और उन्हें बहुत इम्पोर्टेंट बात कही इसमें। साथ में व्यापारियों ने भी कहा है कि यदि हम रात में झाड़ू लगाते हैं तो क्या हमारा व्यापार डूब जाएगा? हाँ, रात्रि काल में झाड़ू जो है लगाना वर्जित होता है, इसलिए कि झाड़ू जो है आपका राहु को भी इंगित करता है और उस समय उचित नहीं होता। साथ में हमारे दर्शकों का एक सवाल और है, खासकर आप देख रहे हैं कोर्ट कचहरियों में भी, खासकर जो तलाकों के केस चल रहे हैं, दांपत्य जीवन में जो हलचल मची रहती है, पति पत्नियों में नहीं बन रही है, तो उसी बात को लेकर लोगों का कहना है कि आपसे प्रश्न है कि मिश्रा जी से पूछिएगा कि दांपत्य जीवन में जो कड़वाहट आ रही है तो उसके लिए क्या उपाय होने चाहिए? प्रश्न इस समय बहुत ही ज्वलंत है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है, पिछले दिनों भी मैंने कई न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है कि लोगों के तलाक की स्थिति आती है, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी जैसे ऐसे लोगों की आई जो कि बड़े शिक्षित हैं, बड़े हमारे समाज के गणमान्य लोग हैं, वो 50-60 की उम्र में भी, इतने मैच्योर एज में भी इस लड़ाई झगड़ों से तलाक की स्थिति को सामना करते हैं, और कईयों का तो कहना है कि तलाक का जो कष्ट है वो मृत्यु मतलब बहुत ज्यादा दर्दनाक है। दर्दनाक, तो ये प्रश्न ज्योतिष के संदर्भ में बहुत उत्तम है, क्योंकि विवाह का जो संबंध है उस पर सबसे अधिक जो प्रभाव डालते हैं वो गुरु और शुक्र डालते हैं। इस पर मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूं। अगर आप कुंडलियों की एनालिसिस करें, जन्म कुंडली के ग्रहों की एनालिसिस करें, तो इसको संबंधों को खराब करने में जो सबसे प्रमुख ग्रहों की जो क्रमवार देखें, तो आपके शनि, राहु, मंगल शादी विवाह के संबंध में और आपस के दांपत्य संबंध में अगर इनकी दृष्टि पड़े, इनकी युति हो, तो बुरा प्रभाव। अगर
कुंडली में जन्म के समय के कुंडलियों में आप अध्ययन करेंगे तो शुक्र की हाँ। और बृहस्पति की जो कि कारक माने जाते हैं, अगर स्थिति अच्छी है तो वही स्थिति उनके साथ ही प्रॉब्लम नहीं होती। तो शुक्र को अगर गुरु को हम किसी माध्यम से ठीक करें, चाहे वो पूजा के माध्यम से करें, मंत्रों के माध्यम से करें, रत्नों के माध्यम से करें, या फिर वास्तु में आ जाए जो बहुत आसान है उसके माध्यम से करें तो बहुत अच्छा। मैं दो तीन छोटे उपाय बताता हूँ। जिस घर में आप रह रहे हैं अगर उसके अंदर के हिस्से को जो कि गुरु से प्रभावित होता है बड़े हल्के कलर का प्रयोग करें, पेंटिंग करा लें उसकी पीले कलर में, पेल क्रीम कलर में, और बाहर के हिस्से को सफेद से मिलता जुलता शुक्र से प्रभावित होने के कारण उसकी पेंटिंग कराएं, स्वच्छ रखें, और जब भी पति पत्नी आपस में वार्ता करें तो बैठ कर करें, कहीं भी खड़े जब भी किसी विशेष चीजों की वार्ता करें और लड़ाई झगड़े से संबंधित इशू पर वार्ता करें तो हमेशा बैठ के करें और उनका मुंह पूरब और पश्चिम की तरफ। इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, क्यों कि जिस तरफ मुख करके आप बात करते हैं तो चंद्रमा का प्रभाव उस पर पड़ता है और चंद्रमा मन का कारक होता है। तो पूरब और पश्चिम की तरफ आप बात करेंगे तो आप इस चीजों को संतुलित कर पाएंगे और आसानी से आप जो है इस चीजों के लड़ाई झगड़े और जो आपकी तलाक की समस्या है उससे बच पाएंगे। एक अंतिम सवाल और है जो कि आप देख रहे हैं, हम दो तीन साल से कोरोना महामारी को लेकर बड़ी दुविधा में है, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व से परेशान है, और अभी कोरोना की चौथी लहर आ रही है, तो क्या हिंदुस्तान पर या फिर ये कहा जाए भारत पर या हमारे देश पर इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है, और कुछ अड़ोसी पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा हमारा देश कितना इस बार इससे लड़ने में सक्षम रहेगा। फलित ज्योतिष के माध्यम से अगर इस प्रश्न का उत्तर खोजा जाए तो कोरोना के कारण कई सालों से हम लोग परेशान हैं, पूरा विश्व इससे ग्रसित है, हमारा देश भी ग्रसित है। वर्तमान में इस अप्रैल के महीने में बहुत से ग्रहों ने अपनी स्थिति बदली है, चांद के हिसाब से अलग अलग घर हाउसेस में आए हैं। तो सूर्य जो है इस समय मेष राशि पे चल रहे हैं और गुरु अपने घर मीन राशि जल तत्व राशि में आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और राहु की स्थिति अभी बदल करके वो भी मेष राशि में आए हुए हैं। तो सूर्य की स्थिति मजबूत होने के कारण हमारी सरकार जो है इस महीने में जो कदम उठाएगी वो बहुत ही अच्छा होगा इस प्रॉब्लम को देखते हुए। सरकार की स्थिति मजबूत रहेगी, उनके निर्णय मजबूत रहेंगे सूर्य के कारण। हाँ, जनमानस के बीच में राहु की वजह से थोड़ा भय या भ्रम की स्थिति रहेगी कि क्या प्रभाव इसका हो सकता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि गुरु की जो स्थिति जल तत्व राशि में अपने घर में वाये हुए हैं तो इस बीमारी का प्रभाव हमारे देश पर उतना नहीं, तो चौथी लहर की स्थिति ज्यादा खराब नहीं होगी। हाँ, लेकिन हमारे जो पड़ोस के आस पड़ोस के जो देश है जो गुरु की स्थिति हमारे यहाँ अच्छी रहेगी क्योंकि हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, फिर भी लोग बाग मास्क वास्क लगाते रहे। हाँ, मास्क में न पता ही पड़ते हैं वो जरूर लगाएं। हाँ, चीन जैसे राज्य देशों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उनके ऊपर जो धर्म की स्थिति है या जो उनका जो अपना समाज की स्थिति है उससे वो प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए घबराए ना। हाँ, लेकिन मास्क और एसओपी का जो है पालन जरूर करें। हमारे बीच में आचार्य अरुण मिश्र जी मौजूद थे जो कि उन्होंने कई प्रश्नों के जवाब दिए। यदि आपको इनकी बातें या फिर ज्योतिष के बारे में यदि आपको कुछ राह लेनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के नीचे आप अपना कमेंट दे सकते हैं जो कि हमारे माध्यम से या हमारे व्हाट्सएप नंबर से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यदि आप अरुण मिश्र से संपर्क करना चाहते हैं तो आप फटाफट से नव समाचार के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप दे सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए हमारे लिए उपयोगी है और हमारे धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं।
जब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।